अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे। आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र भी आ रही होगी, एक मस्जिद और चर्च दोनों एक साथ, दोनों की एक दीवार जिसका कहते हैं सांझी, एक साथ ही मौजूद है। भले ही पाकिस्तान के अंदर अदम बर्दाश्त और मजहबी मुनाफरत जो है वो बढ़ रही हो, लेकिन फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो अभी भी कदीम जो है रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल के यहाँ पर रहते हैं। और ये एक फैसलाबाद का इलाका है नाज़माबाद, उसकी गली नंबर जो है वो 14 के अंदर ये एक ऐसी मस्जिद और चर्च आपस में मिले हुए मौजूद हैं जिनकी एक ही दीवार है और बीच में कोई फ़र्क नहीं है। और आइए मैं दिखाता हूँ आपको, ये है चर्च बिल्कुल इसके साथ ही, ये देखें ये चर्च है और इसके साथ ही मौजूद ये जामा मस्जिद मोहम्मद अली फजली के नाम से ये यहाँ पे मस्जिद मौजूद है। और इस इन दोनों के बीच में जो है एक दीवार का भी फ़र्क मतलब नहीं है, एक अलग से कोई दीवार नहीं है, एक ही दीवार दोनों के बीच में मौजूद है। और ये मस्जिद है और ये चर्च, और इस चर्च के बारे में ये है कि ये चर्च तकरीबन 1974 में ये चर्च का क़याम किया गया था इस चर्च को, और ये चर्च 1974 में बना था और उसके बाद 1994 में गालिबा 1994 में ये मस्जिद जो है मोहम्मद अली फजली मस्जिद तामीर की गई थी। पहले ये कहते हैं कि ये मस्जिद छोटी थी और इसके बीच में एक गैप था, एक प्लॉट था खाली, और उसके बाद में इस प्लॉट को ख़रीद के जो है वो मस्जिद में शामिल किया गया और इस मस्जिद को एक्सपेंशन दी गई। उसके बाद ये पहले नहीं मिले हुए थे, लेकिन एक्सपेंशन के बाद ये चर्च और ये मस्जिद आपस में मिल गए और इस तरीके से ये दोनों चीज़ें अभी भी एक साथ जो ना कायम है, मस्जिद और चर्च दोनों एक साथ ही हैं। और हमें और काफ़ी अरसे से सारे यहाँ पे जितने भी मुसलमान हैं और क्रिश्चियन हैं वो आपस में रवादारी के साथ मिलजुल कर रहते हैं। कभी कोई इतने अरसे में कोई मज़हबी मुनाफरत या मज़हबी लड़ाई झगड़ा को भी देखने में नहीं आया, बल्कि इलाका मकीनों से भी बात की, अभी हमने जाके कुछ आगे वो कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं किया तो उन्होंने भी यही बताया कि हम लोग बड़े प्यार और मोहब्बत से यहाँ पे काफ़ी टाइम से जो है वो रह रहे हैं। और ये दिखाता हूँ, ये मोहल्ला है पूरा और इसी मोहल्ले के पास पीछे गली के अंदर आप जाते हैं, मैं इस गली से मैं गया हूँ, ये गली है सामने, यहाँ से जाते हैं तो पीछे तमाम जो है ना वो क्रिश्चियंस के घर हैं और मुस्लिम भी साथ ही रहते हैं। तो और ये बड़ा एक यूनिक चीज़ थी मेरे लिए कि मस्जिद और चर्च एक साथ जो है ना देखना, ये मैंने पहली बार देखा है और वो भी पाकिस्तान के अंदर। मेरे साथ हाफिज़ मोहम्मद सलमान साहब मौजूद हैं जो कि मस्जिद के जो है वो मौज़िन भी हैं और यहाँ पे ही होते हैं इस मस्जिद में, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हाफिज़ साहब, ये मैंने देखा है, एक बड़ी यूनिक सी चीज़ है कि मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर कि मस्जिद और चर्च जो है एक साथ हों। तो ये चर्च और मस्जिद की एक ही दीवार है, ये बड़ा मेरे लिए एक यूनिक सी चीज़ थी। तो आजकल का जैसा कि हम देखते हैं अपने माशरे में अदम बर्दाश्त का जो है लोग साथ छोड़ देते हैं और मज़हब के नाम के ऊपर जो है वो आपे से बाहर हो जाते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखने में आ रही है कि मस्जिद और चर्च की दीवार एक साथ ही है और दोनों जगह पर इबादत चल होती हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, ये किस तरीके से मुमकिन हो सकी चीज़? पहली बात तो ये है कि ये मुमकिन तो हो सकती है क्योंकि हमारे कुरान पाक में ये चीज़ है कि भाई भाई मुसलमान मुसलमान और बग़ैर मुस्लिम दूसरे मज़हब सब से ही मोहब्बत करनी चाहिए, और सब ही आपस में मिलजुल कर जब रहेंगे मोहब्बत करेंगे तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होते हैं। बिल्कुल सही। तो ये पहले मस्जिद छोटी सी थी, फिर आगे आगे उन्होंने प्लाट लिए इंतज़ामियों में, अच्छा तो ले के जब ये साथ आए तो इनके साथ मिल गए। अच्छा, तो पहले से भी कभी ऐसी नहीं हुई कि इनसे कोई भी हमारी कोई किसी किस्म की लड़ाई फसाद या कोई ऐसा काम हो, कभी कभी कुछ नहीं, कभी कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा होता है हमारी मस्जिद में 5 टाइम की अजान दी जाती है और 5 टाइम इबादत होती है, तो ज़ाहिर है इनके भी इबादत का टाइम तो होगा, तो कभी क्लैश हुआ हो इबादत में, कभी हमारे वालों को कोई मुश्किलात हुई हो या उनके वालों को कभी कोई मुश्किलात हुई हो इबादत के अंदर? ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। उन्होंने आगे पीछे कर लेते हैं, उनका अगर कोई हो तो हमारा हो तो हम आगे पीछे कर, हमारे फिक्स है टाइम। अच्छा। उनका फजर के बाद होता है। अच्छा, उनका फजर के बाद होता है। हमारा इशराक के बाद, वो इशराक के बाद लोग चले जाते हैं तो वो उनका होता है। कभी अगर उनका लेट भी हो, जोर के वक्त भी हो, तो वो फिर आगे पीछे थोड़ा सा कर लेती हैं जोर के वक्त। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बकाया हमारा ये है कि ऊपर स्पीकर नहीं है, जो बड़े स्पीकर होते हैं स्पीकर नहीं लगाए हुए, हमने वो नहीं लगाए हुए कि इनको हमारी तरफ से कोई परेशानी ना हो। अच्छा, सिर्फ इनकी वजह से कि इनको इनकी वजह से कि इनको हमारी वजह से कोई परेशानी ना हो। पीछे 2 गलियाँ हैं इनकी,
तो हम आपस से खुशी रहते हैं एक दूसरे से, कभी नहीं ऐसा कभी कोई नहीं हुआ तो ना उनकी तरफ से हुआ ना हमारी तरफ से। आपस में मिलना जुलना भी है? मिलना जुलना भी है, लेना देना भी है इनसे। अच्छा अच्छा। हम मैं यहाँ काम करता हूँ ना, तो मैं इनका ये थड़ा होता है ना ये भी धो देता हूँ। अच्छा अच्छा। तो कुछ एक दो लड़के हैं छोटे से बच्चे, उनको नहीं इस चीज़ का इलम, वो कहते हैं कि आप इनका क्यों धो रहे हो। मैंने कहा यार इसमें कोई नहीं है, लाफ नहीं होना चाहिए इस चीज़ का। और जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से, जो कि इसी नाज़ाबाद के रहायशी हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि पीछे दो गलियाँ हैं जिनमें क्रिश्चियन आबादी है, तो उनमें से एक शख्स हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा जी, आप बताइएगा कि ये एक बड़ी यूनिक सी चीज़ है कि आज के ऐसे दौर के अंदर जहाँ पे लोगों के अंदर अदम बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, और वहाँ पे मस्जिद और चर्च का साथ होना मेरे लिए तो एक अचंभा सी बात है, तो ये कैसे आप देखते हैं इस चीज़ को? आपके लिए ये अजूबा है मगर हमारे लिए अजूबा नहीं है। ये क्यों क्यों कह रहा है? इसलिए कि ये 40-50 साल से लोग यहाँ पर ही हैं, ये कोई महाजर नहीं है, कोई गाँव से आ गया या कोई यहीं से आ गया, ये इसी लोग हैं। पाकिस्तान में जीना मरना क्रिश्चियन का भी मुस्लिम का यही है, हमारी प्रॉपर्टी भी इधर है, सारे कुछ इधर ही है। ऐसा ही है। बात यह है कि हम प्यार और मोहब्बत से 40-50-60 से रह रहे हैं, जब उनकी इबादत होती है तो इधर स्पीकर बंद है, अगर हमारी हो तो उनकी बंद है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि आपस में किसी बात पे नहीं हुई हो? ना ना ना, ये देखो अब ये तो मुझे नहीं पता, ये गवर्नमेंट ने भेजे, ये कभी भी पहले भी ये वाक्य हुआ, कभी ऐसा कभी नहीं आवे इधर आके यही हल्लुगुल्ला हो, ये कुछ भी नहीं होता, प्यार मोहब्बत से रहते हैं सारे। ये इतनी मोहब्बत से कि मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि हम मुसलमान और क्रिश्चियन दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, दोनों अहले किताब हैं। अहले किताब हैं, बिल्कुल बेशक, सही बात है। चलें, कोई मैसेज देना चाहेंगे जो देखने वाले हैं? यही मैसेज दूंगा जी दोनों कम्युनिटी को, मुस्लिम और क्रिश्चियन को, आपस में भाई भाई बात करें, ये किसी के दिल आजारी करना या क्या करना ये जेब नहीं देता, कोई मजहब नहीं बताता, ये बिल्कुल सही है, बस यही। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से जो सर मेरे साथ मौजूद थे उन्होंने भी यही कहा, और जो मुस्लिम मस्जिद से जो मौजन थे उन्होंने भी यही कहा कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, और ये इनके लिए कोई अचंभे की बात नहीं है कि मस्जिद और चर्च एक साथ हैं। हमारे इस मुल्क के अंदर दोनों कम्युनिटीज़ बड़े प्यार और आराम से जो ना रह रहे हैं, और यही पैगाम देते हैं कि हमें इंसानियत देखनी चाहिए, अखलाकियात को देखना चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आपने भी कभी कोई ऐसी चीज़ विटनेस की है। अगली वीडियो तक ले जाते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।